राकेश टिकैत ने कहा है कि 21 नवंबर तक सरकार के पास समय है, उसके बाद बड़ी तैयारी शुरू होगी। ये पूरी सरकार की साजिशें हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैरिकेटिंग रहते, तो क्या संसद की तरफ बढ़ेंगे अब किसान? सरकार बात नहीं सुनती है तो लास्ट ऑप्शन तो वही बचता है ना। किसानों ने एक शेड्यूल कास्ट की हत्या कर दी, वहाँ मार के टांग दिया गया। अब तो आंदोलन कमजोर होता दिख रहा है क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोगों का मोह भंग हो गया है। के किसान आंदोलन में हर धर्म के लोग हैं और वहाँ पर धर्म जाति की कोई भेदभाव ही नहीं है। सरकार डे फर्स्ट से इसी कोशिश में है कि आंदोलन को बदनाम किया जाए, आंदोलन को तोड़ दिया जाए, आंदोलन को कमज़ोर किया जाए और देश के सामने आंदोलन की जो छवि है उसको ख़राब किया जाए। तो ये यूपी चुनाव आया नहीं, पहले कश्मीर में अटैक्स होने लगे और डायरेक्ट नहीं, एक बार दिखा कर नहीं, धीरे धीरे अंदर अंदर उनका शोषण किया जा रहा है, प्यार से मारा जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो युवा हैं, जो तेज तरार गृहिणी महिलाएं हैं, समाज सेवक हैं, वो लगातार अब देश में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से पोलिटिकल असर्शन कर रहे हैं। अब वो दौर गया जब एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोग ही अपनी बात रखते थे। मेरे साथ जेवा हैं, वो लगातार किसान आंदोलन के बक्स से सक्रिय हैं और तमाम मुद्दों पर विवाक तरीके से अपनी राय रखती हैं। एक बार फिर से वो नेशनल दस्तक पर उनसे समझेंगे कि किसान आंदोलन का क्या होगा, माइनॉरिटी से आती हैं, त्रिपुरा में क्या चल रहा है और आगे भविष्य में क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो सत्ता में आ पाएंगे या वो लगातार शोषित, वंचित और मजदूर ही बने रहेंगे, और रास्ता क्या है। जेवा, समय देने के लिए शुक्रिया। राकेश टिकैत ने कहा है कि 21 नवंबर तक सरकार के पास समय है, उसके बाद बड़ी तैयारी शुरू होगी। क्या होने वाला है किसानों के साथ, चूँकि आप लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं? आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। देखिए, अभी बातें तो चल रही हैं, पूरे किसान लीडर्स जो हैं और आंदोलन बहुत शांतमय तरीके से चल रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सभी को पता है कि 22 दिसंबर के बाद सरकार से कोई वार्तालाप नहीं हुई है और लगातार इस बीच हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और सरकार के तरफ से उनको, उनके लिए कोई संवेदनाएँ नहीं है, कोई श्रद्धांजलि नहीं है। तो सब बैठ के सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार को मौका दे रहे हैं, समय दे रहे हैं कि देश ये ना बोले कि किसान उग्र हो गए या किसानों ने अपनी पेशेंस को खो दिया, धैर्य को खो दिया। तो बहुत धैर्य के साथ है, देखिए आगे 21 नवंबर के पास तक क्या होगा। ये तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी, बैठक होगी, इसमें किसी एक के फैसले को नहीं माना जाता है। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होती है और सारी लीडरशिप वहाँ पर होती है और लीडरशिप का जो फैसला होता है फिर उसी को किसान मोर्चा मानता है और उसे करता है। बैरिकेडिंग हटा दी गई, सुप्रीम कोर्ट सरकार कह रही थी कि किसानों ने रोक रखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैरिकेडिंग हटा दी गई, क्या संसद की तरफ बढ़ेंगे अब किसान? अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो लास्ट ऑप्शन तो वही बचता है ना, क्योंकि एक साल होने जा रहे हैं, 26 नवंबर को एक साल हो जाएंगे और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इतनी तेज़ सर्दी, सर्दियों में किसान बैठे रहे और सर्दी के बाद, सर्दी अभी थी ही, उसमें आंधी तूफान बारिश, उसमें खेमे भीग जाते थे, बिस्तर तक भीग जाते थे, रातों में सब जाग कर गुजारे हैं, खाने के सामान भीग जाते थे, मैं तो खुद देखी हूँ साक्षात, इतनी परेशानियों का सामना। उसके बाद से शदीद गर्मी आ गई, फिर बारिश, आंधी तूफान, लू, उसमें हमारे किसान बैठे रहे और अब फिर सर्दी आ रही है। तो सोचिए, सब मौसम देख चुके हैं, सारे पर्व त्यौहार किसान जो हैं सरहदों पर ही किए हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों है देश के किसानों को लेकर? किसानों का भी परिवार है, किसानों की भी अपनी लाइफ है। इस तरह अगर वो सरहदों पर डटे रहेंगे तो उनके काम का क्या होगा? खेत में कैसे कंसंट्रेट कर पाएंगे, कैसे घर चला पाएंगे, कैसे उनकी भी सेहत है, उनका भी अपना लाइफ है। तो सरकार को इसमें आगे आकर बात करना चाहिए और किसानों की मांगों को माननी चाहिए ताकि वो घर वापस चले जाए और अपना जो डेली लाइफ है, रूटीन है, एक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें फिर से
वो जा सके, क्योंकि हम खुद समझते हैं 2-3 दिनों के लिए घर से आप निकल जाइए तो कैसा फील होता है। वो तो इतने दिनों से सब परेशान है दिल्ली का चक्कर, तो इसलिए परेशान थे, इसलिए किसानों ने एक शेड्यूल कास्ट की हत्या कर दी, वहाँ मार के टांग दिया गया। अब तो आंदोलन कमज़ोर होता दिख रहा है क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोगों का मोह भंग हो गया है, उनको लगता है कि उनके नेता, उनके एक शख्स की हत्या कर दी गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी शंभू जी कि किसान आंदोलन में हर धर्म के लोग हैं और वहाँ पर धर्म जाति की कोई भेदभाव ही नहीं है। वहाँ पर तो संस्कार है, सेवा भावना है, अपनापन है। सीखने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन सबसे शांतमय तरीके से चल रहा है और लगातार वहाँ पर हिंसा की कोई घटना ही 10 महीने तक नहीं थी। मैं तो खुद हूँ वहाँ पर, और इतने तरह से बाहर से आरएसएस के गुंडे जो थे वो परेशान करते हैं। आप आए दिन आप उठा के देख सकते हैं पिछले वीडियोस को कि किस तरह कभी चोरी की जाती है, कभी टेंट में आग लगा दिया जाता है, इस तरह की लगातार घटनाएँ हुई, लेकिन वहाँ पर किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, कोई भी हिंसा नहीं की, एकदम अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए ये आंदोलन चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार डे फर्स्ट से इसी कोशिश में है कि आंदोलन को बदनाम किया जाए, आंदोलन को तोड़ दिया जाए, आंदोलन को कमज़ोर किया जाए और देश के सामने आंदोलन की जो छवि है उसको ख़राब किया जाए। तो ये जो भी हुआ है, ये जो घटना हुई है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, ये पूरी सरकार की साजिशें हैं। तो ये सरकार की साजिश है देश की जनता को गुमराह करने का और आंदोलन को तोड़ने का, आंदोलन को कमज़ोर करने का। अगर वो लोग इतने क्रूर होते या हिंसा करते या फिर कानून को अपने हाथ में लेते तो 10 महीने का टाइम पीरियड जो होता है ये शॉर्ट नहीं होता है, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। तो इस बीच में और भी घटनाएं होती, लेकिन कोई भी घटनाएं नहीं हुई हैं। तो ये सारी सरकार की के द्वारा रचा गया, ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को कमज़ोर करने का। त्रिपुरा में जिस तरह से लगातार मुसलमानों पर अब हमले बढ़ गए हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या यूपी चुनाव से उसका कनेक्शन है? जी देखिए, जब भी कोई चुनाव आता है तो मुद्दे तो हमें पता है कि क्या होता है। देखिए, यूपी चुनाव आया नहीं, पहले कश्मीर में अटैक्स होने लगे और आप पिछला रिकॉर्ड कुछ दिनों से देख सकते हैं। 2 महीने पहले कश्मीर का वातावरण बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर लखीमपुर खीरी में हत्या होती है किसानों की, हमारे किसानों पर टायर गाड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, कुचल दिया जाता है। अजय मिश्रा टेनी का जब इस्तीफा मांगने का जोर पकड़ लेता है, हर जगह से आवाज़ उठने लगती है, तो सीधा मीडिया जो कश्मीर में हत्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसी बात थी तो पहले से क्यों नहीं हो रही थी? दिन रात कश्मीर चलने लगा। अब योगी आदित्यनाथ अपने बयान में तालिबान का नाम ले रहे हैं, कभी पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, और अब देखिए उसके बाद से त्रिपुरा में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यानी कहने का मतलब है कि देश की जनता का जो मेन मुद्दा है, जो प्रश्न है और जो मांगे हैं, उन मांगों से ध्यान को हटाकर सरकार कहीं और ले जाना चाहती है, कुछ और सामने परोसना चाहती है। जनता को ज़रूरत कुछ और है और सरकार कुछ और दे रही है। और हम तो जानते हैं आज के डेट में सॉफ्ट टारगेट हॉट चॉकलेट है मुसलमान, और सॉफ्ट टारगेट है तो इसे टारगेट करके एक जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है अपने वोटर्स को खुश करने की कोशिश करती है, तो वो गलत ऐसा समझती है। देश की जनता जो है वो दलित, पिछड़ा और जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो समझ गए हैं कि उनका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इनफैक्ट शोषण हो रहा है वो ओबीसी का हो रहा है और शेड्यूल कास्ट का हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब्स का हो रहा है सरकार के द्वारा लगातार। कि इनका देखिए, पहले ये था कि आरक्षण था, आरक्षण पे ये लोग बहुत, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो आरक्षण पर बहुत गुस्सा हो जाती थी, आरक्षण के ये सख्त खिलाफ थे, लेकिन आरक्षण को हमेशा मांग उठाते थे कि आरक्षण को ख़त्म कीजिए, आरक्षण को ख़त्म कीजिए, बराबरी का ये लाइए कोई भी एग्ज़ाम्स पास आउट होने के लिए। तो अब आरक्षण को सीधे सीधे नहीं ख़त्म करके सारी सरकारी व्यवस्था जो है, सिस्टम है, वही उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, प्राइवेट
प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो जब प्राइवेट हाथों में चले गई सारी व्यवस्था, तो जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी तो अपने आप ख़त्म हो गई, सब प्राइवेट हाथों में चली गई। और दूसरा लैटरल एंट्री जो लाया गया है वो बैकडोर से एंट्री, तो इसमें भी कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने वाले बच्चों को नुकसान होगा इन सारी व्यवस्था से, और जो इसमें सभी पिछड़ों को भी नुकसान होगा, और बैकडोर से अपने मनमाने लोगों को जो पपेट होंगे उनको ला के बैठा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ों का, अति पिछड़ों का शोषण हो रहा है, माइनॉरिटीज़ का शोषण है, उनके हक को छीना जा रहा है। और डायरेक्ट नहीं, एक बार दिखा कर नहीं, धीरे धीरे अंदर अंदर उनका शोषण किया जा रहा है, और ऐसा शोषण किया जा रहा है जो सामने वाले को पता भी नहीं चले, और बहुत प्यार से मारा जा रहा है। तो आने वाला वक्त बता देगा, सब समझ में आ जाएगा। महंगाई पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, वहाँ से तो कोई चुप्पी नहीं आ रही है, कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं और क्या लगता है महंगाई मुद्दा बन पाएगा? महंगाई तो आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। देख लीजिए जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, रोज़ बढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा, समझ में नहीं आती है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक आंकड़ा सामने आया है कि 2020 में प्रतिदिन जो सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या है वो 419 है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, मतलब बहुत चौंकाने वाला और डराने वाला ये आंकड़ा है। और ये 419 लोगों में सबसे ज़्यादा जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग है। तो क्यों, क्या मतलब है सुसाइड करने का? जाहिर सी बात है महंगाई के वजह से परिवार नहीं चला पाना, इनकम सही तरह से नहीं हो पाना, तो वो वजह बनता है सुसाइड करने का। तो देश में तो हम देख रहे हैं कि 2014 से और आज 2021 तक में जो दाम बढ़े हैं अनएक्सपेक्टेड, सातवें आसमान पर रसोई गैस से लेकर मिट्टी तेल, खाने का कड़वा तेल, खाने का सारे तेल, दूध हो गया, नमक हो गया, DSLI भी डबल दाम हो गया, कितने सालों बाद दुगना प्राइस बढ़ गया है। और हर जगह, और जहाँ पर ये देख लीजिए कुपोषण में बच्चे बहुत ज़्यादा, भारत में कुपोषित बच्चे हैं, और कितना जो परिवार था पिछड़ा गरीब तबका था वो अति पिछड़ा, सॉरी गरीब जो था वो बहुत और ज़्यादा गरीब हो चुका है। 3 करोड़ परिवार ऐसा जो है वो और ज़्यादा गरीब हो चुका है। और दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भुखमरी सूचकांक में, विश्व भुखमरी सूचकांक में 2020 में हम 94 स्थान पे थे 107 देशों की सूची में, और आज 2021 में जो आंकड़े आए हैं इसमें हम 116 देशों की सूची में 107वें स्थान पर हैं। तो सोचिए, हमसे अच्छी स्थिति में बांग्लादेश है, हमसे अच्छी स्थिति में नेपाल है, हमसे अच्छी स्थिति में श्रीलंका है, और हमसे बहुत अच्छी स्थिति में पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का खौफ और डर हमेशा दिखाया जाता है। आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, जिन्ना समर्थक आपको घोषित कर दिया गया? तो मैं किसी की समर्थक नहीं हूँ, मैं बस जो इंसानियत की बात करता है इंसानियत की समर्थक हूँ। इंसानियत ज़िंदा रहना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपस में प्यार और सौहार्द बने रहना चाहिए। मैं किसी की समर्थक नहीं हूँ, बस इंसानियत की समर्थक हूँ और इंसानियत की बात करती हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये एक बात तो है, इस देश में जब से मोदी जी आए हैं तब से एकमात्र आंदोलन जो है, जो लगातार सड़कों पर संघर्षरत है, वो किसानों का आंदोलन है। और देश भर के लोगों को उम्मीद है कि किसान आंदोलन जो है सरकार को झुकाने में कामयाब होगी और शायद डेमोक्रेटिक सिस्टम बच पाएगा। जीवा उन्हीं में से हैं जो लगातार परिवार, घर, बच्चे छोड़कर किसानों के साथ सड़कों पर डटी हुई है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या जीवा के जवाब से आप लोग सहमत है, असहमत है? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।